जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, आज हम दसम कक्षायै संस्कृतम चतुर्थ पाठः अर्थात चौथा पाठ स्वास्थ्यानि अच्छी तरह कही बातें का अध्ययन करेंगे। स्वासितम इत्यस्य अर्थः सुष्टु भासितम कथितम इति अर्थात स्वासितम इसका अर्थ है सु अच्छी तरह, भासितम का अर्थ है कहा गया। सम्यक भासितम स्वासितम भवति शोभनम वचनम स्वासितम इति कथ्यते। अच्छी बातें सुशोभित कही जाती हैं। स्वासिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदो बद्धेन श्लोकेन प्रसूयति। महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध करके श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तादृशानि कानिचित् स्वासितानि अत्र वर्तन्ते। वैसे ही कुछ स्वासित श्लोक यहाँ दिए गए हैं। प्रथम श्लोक सज्जन प्रशंसा अर्थात सज्जन की प्रशंसा इस श्लोक में की गई है। श्लोक गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम घनन्ति संतो महाशयः। जिस प्रकार गंगा नदी पाप का नाश करती है, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा गर्मी का नाश करता है, दैन्यम कल्पतरुस तथा और कल्पतरु जो सभी की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है, गरीबी को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार संत सज्जन पुरुष पाप गर्मी और गरीबी इन तीनों का नाश करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में सज्जन को गंगा चंद्रमा एवं कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ बताया गया है। श्लोक नंबर दो दान प्रशंसा, दान की प्रशंसा इस श्लोक में की गई है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दान देने से सभी प्राणी बस में हो जाते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम। दान देने से शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है। परो अपि बंधुत्वमुपेति दानैर। दान देने से पराय भी अपने बन जाते हैं। दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। श्लोक नंबर तीन उद्यम प्रशंसा, इसमें उद्यम अर्थात परिश्रम करने वाले व्यक्ति की इसमें प्रशंसा की गई है। नाति उच्च शिखिरो मेरु नाति नीचम रसातलम। उद्यमशील लोगों के लिए सुमेरु पर्वत की चोटी अत्यंत अधिक ऊंची नहीं है। पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक छठवा लोक अधिक नीचे नहीं है। व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्यपारो महोदधि। महासागर भी अगम अर्थात जिसे पार नहीं किया जा सकता है अर्थात उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। श्लोक नंबर चतुर्थ, इस श्लोक में वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। बिनाप अर्थै वीरः स्पर्श्यति बहुमानोन नति पदम अर्थात वीर पुरुष धन के बिना भी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को प्राप्त कर लेता है। समायुक्तो अर्थै परिभाव पदम याति कृपणः। कंजूस व्यक्ति धन से युक्त होने पर भी
पराजयता को प्राप्त करता है। स्वभावादुत भूताम गुण समुदाया वाप्ति विषयाम, गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली को स्वभाव से उत्पन्न हुई। द्युतिम सिंघई स्वाहा किम धृक कन कमलो अपि लभते, सिंह की कांति को स्वर्णमाला को धारण करने वाला श्वान भी क्या प्राप्त करता है। श्लोक नंबर पंचम, गुणों की प्रशंसा की गई है। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसताम सताम, अर्थात सज्जनों के गुण दूर रहते हुए भी दूत के रूप में कार्य को करते हैं। केत की गंधम आघ्राय स्वयं यान्ति षट पदा, जैसे भौरे केवड़े की गंध को सूंघकर स्वयं आ जाती हैं। श्लोक नंबर छठवा, बाघ भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलहा, अर्थात मनुष्य को ना तो बाजू बंधन अलंकृत करती हैं और ना चंद्रमा की तरह चमकने वाले मुक्त हार, ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम ना अलंकृता मूर्ध्वजः, ना स्नान ना चंदन आदि सुगंधित पदार्थ का लेपन, ना फूलों से सजे हुए केस पुरुष को सुशोभित करती हैं। वाणीं का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारयति, एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् बाघ्यभूषणम् भूषणम्, अर्थात क्योंकि और आभूषण तो नष्ट भी हो जाते हैं किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है। श्लोक नंबर सप्तम सातवा, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति, आतृणे पतितो वन्नी स्वमेव उपसाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुर्जना किम करिष्यति अर्थात दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। आतृणे पतितो वन्नी स्वमेव उपसाम्यति, जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। श्लोक नंबर अष्टम, मित्र स्वरूपम, मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। मित्रम प्रीति रसायनम नयन योर आनंदनम, मित्रम प्रीति रसायनम नयन योर आनंदनम चेत सह, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आंखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। मित्रम यत सुख दुखयो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम, जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र होता है वह दुर्लभ होता है। एन चान्ये सुहृदा समृद्धि समये द्रव्य अभिलाषा कुलास्ति, और जो दूसरे मित्र की संपन्नता के समय धन प्राप्ति की कामना करने वाले होती हैं। सर्वत मिलन्ति तत्व निकस ग्रावातु तेसाम विपत, वे सब जगह मिल जाते हैं उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। श्लोक नंबर नवम, मनुष्य का स्वभाव के विषय में वर्णन किया गया है। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः, सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं। अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो
मूर्धनी वर्तते, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक पर विराजता है। अल्पज्ञ स्वभाव, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति का स्वभाव। यदा किंच ज्ञो अहम गज एव मदांध संभवम, जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। तदा सर्वज्ञो अस्मित भावदव लिप्तम मम मनः, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचकर मेरा मन अभिमानी हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सा आकाशाद अवगतम, परंतु जब मैंने विद्वानों की संगति से कुछ कुछ जाना, उस समय यह समझकर कि तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, समझकर कि मैं मूर्ख हूँ, मेरा अभिमान ज्वर अर्थात बुखार के समान दूर हो गया। धन्यवादः। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।